हेलो गाइस, अब हमारे बीच में है कोटा के भक्त। बताएंगे कि कैसा रहा इनका सफर। सफर में सफर हो गया, सफर में सफर हो गए सब। कल रात से चल रहे हैं, अभी ट्रेन पे पहुंचेंगे, फिर ट्रेन के बाद फिर ट्रेन पे पहुंचेंगे, फिर ट्रेन पे फिर कहाँ है पाकिस्तान। दस घंटे और उसके बाद फिर दो घंटे की जर्नी, फिर उसके बाद एक घंटा होटल का, शाम को 6 बजे। कैसे लग रहा है वादियों में घूम के? बबू इनका सपना था, इनका यहाँ इनको आना था। हाँ जी बताइए, कैसा लग रहा है? पहुंच नहीं पा रहे हैं। बनिहाल निकला बेहाल। हेलो, बड़े दिनों के बाद नान मिला है। पहली रोटी कश्मीर की। वो हमारी आ गई है ट्रेन। यार मैं इधर देखूं, इधर देखूं, ट्रेन आ गया। कितने घंटे वेट किया हमने? क्या हो गया? हमने वेट किया अराउंड लाइक 2 आवर्स कुछ। लास्ट टाइम खाना खाया था बस, ऐसे ही है। और फिर उसके बाद हम अब जा रहे हैं श्रीनगर। वहाँ से हमारा पैकेज और आरामदायक यात्रा, सुखमय यात्रा हमारी चलेगी। अभी तक थोड़े एडवेंचरस थे, इनको एडवेंचर करना था। देखो इन्हीं को पसंद है पहाड़। और फाइनली हम श्रीनगर पहुंचेंगे अभी 1-2 घंटे में। 1.5 घंटे का रास्ता है, उसके बाद वादियाँ। यार अभी अभी ट्रेन चली है, हम ना 1 घंटे से बैठे हैं ट्रेन में और ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन उल्टी ट्रेन चल रही है। तुम्हें दिख रहा है क्या कुछ पीछे की तरफ जाए? मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें, यह ट्रेन उल्टी चल रही है, क्या करें? रहने देते हैं, ये देखना रह गया था। मैं उठता हूँ। बस ये कोई खिड़की खोल दे, मैं तो मजा आ जाएगा। खिड़की नहीं खोल रहा कोई। बाकी यार जबरदस्त व्यू है। कहाँ थे अभी हम हाइट पे? कहाँ पहुँचे? श्रीनगर। अभी तो इससे 21 किलोमीटर और आगे जाना है। तो फिर भी अपनी कैब तो है कम से कम, वहाँ पे सुखद है थोड़ा। और अब हमारे दोस्त हमसे बिछड़ने वाले हैं। नहीं, मिलेंगे आपको जल्दी आपस। ठीक है, पक्का। काफी उम्र में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत शाही है, बहुत बोलते हैं। के बाद रूम लिया हमने, और रूम लेने के बाद रूम बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा लगा। और अब और अब हम निकल रहे हैं झेलम रिवर के पास, जा रहे हैं उनके बैंक्स पे बैठने के लिए, क्योंकि आज का दिन हमारा वैसे साइट सीइंग का था और साइट सीइंग तो हुई नहीं, तो सोचा कि इवनिंग वेल स्पेंड करते हैं। और पोपू है झेलम रिवर।
ड्राइवर अभी वहाँ जाके विल शेयर द वीडियो, ठीक है? पैसे मत काटना मेरे, ओके बाय। बाय एयर उसका एक रीज़न था कि हम दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे थे कि ट्रेन से कैसा सफ़र रहता है और बाय एयर कैसा रहता है। तो हमारे नॉन में कोई भी बाय ट्रेन अभी तक नहीं गया था, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया, हम काफ़ी लोग हमें साथ में मिल गए थे तो हम बहुत फन करते हुए आए। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ कि अगर आपको बाय ट्रेन आना है तो आपको जो नियरेस्ट यहाँ पर रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा उधमपुर रेलवे स्टेशन। आप किसी भी कॉर्नर से आ रहे हैं तो आप या तो जम्मू या फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से आपको एक कैब करनी पड़ेगी जो आपको लेकर आएगी बनिहाल रेलवे स्टेशन तक, बिकॉज़ जो उधमपुर से बनिहाल तक का रास्ता है वहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, वो आपको बाय कैब आना पड़ेगा, जो कि हमें गूगल मैप पे दिखा रहा था 3 आवर्स का रास्ता। वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि वहाँ 3 आवर्स की बजाय हमें 6 आवर्स लगे, जिससे कि हमारी बनिहाल टू श्रीनगर वाली ट्रेन छूट गई थी जो हमारी 11:25 की थी, और उसके बाद हमें डायरेक्टली ट्रेन लेनी पड़ी 2:45 पे। तो बिकॉज़ जो रास्ता था उधमपुर से बनिहाल तक का उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, तो वहाँ पर हमें डबल टाइम लगा, 3 आवर्स टू इट वॉज 6 आवर्स। सो फाइनली फिर हम बनिहाल जब हम पहुँचे, बनिहाल से हमने श्रीनगर तक के लिए एक लोकल ट्रेन ली, और बस श्रीनगर पहुँचते ही नज़ारा बहुत सुंदर था, श्रीनगर इज़ सो ब्यूटीफुल। और आज हमारा डे 1 है, हम हैं श्रीनगर में, बिकॉज हम लेट हो गए थे तो हम लोकल साइट सीइंग नहीं कर पाए हैं, बट वी थॉट कि हमें आज का दिन वेस्ट नहीं करना है, तो हम अपना होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग अब यहाँ पर थोड़ा सा लोकल मार्केट में घूमने निकले हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया है और बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। अब कल हम जाएंगे सोनमर्ग, तो देखते हैं हमारा सोनमर्ग का दिन कैसा रहता है। See you soon.